दोस्तों लोन एक्टिव है पूरे 2 लाख का, और बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर कर पूछते हैं कि भैया हम जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें लोन क्यों नहीं मिलता है। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहीं दो नहीं पूरे 3 ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। 2 ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें बैंक स्टेटमेंट ITR इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, और लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है उसमें इनकम प्रूफ लगेगा लेकिन हायर लोन आपको मिलेगा। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कंपनी से ट्राई करना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में तीनों एप्लीकेशन के बारे में हर एक डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कैसे कर अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, हर एक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और बेल वाले नोटिफिकेशन को बेल ऑफ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की दरकार है तभी अप्लाई कीजिएगा, बेफिजूल में कभी भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो पहले मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ जिसमें कि आपको इनकम प्रूफ ना देना पड़े, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर जैसे आपको पर्सनल लोन मिल जाए, ठीक है। तो पहला जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का डिटेल्स यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, तो मैं अपना मोबाइल स्क्रीन आप लोगों के सामने सबसे पहले यहाँ पे अलाउ करता हूँ, तो आप लोगों को क्लियर मेरा मोबाइल स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है। और ये जो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और ये RBI से लाइसेंस प्राप्त कंपनी है। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए महज आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना है। पहला स्टेप में आपका जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जाएगा, तो एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, उसके बाद KYC कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना होता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या डालिएगा, अपना पैन नंबर, आपका फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, ये सारा डिटेल्स डालने के बाद अगर आपका लोन ऑफर आता है, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का लोन ऑफर आएगा, तो अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है तो सिंपल सा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालिएगा, अपना बैंक अकाउंट का यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर दीजिएगा, कौन सा बैंक वगैरह है उसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का टॉपअप आएगा, और आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपका जो लोन है वो अप्रूवल हो चुका है और इसको आप सीधे बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कौन सा है, तो ये जो एप्लीकेशन है पहले नंबर पे, इस एप्लीकेशन का नाम है स्मॉल बिजनेस लोन ट्रेड फिना। इसमें आपको बिना इनकम प्रूफ का पर्सनल लोन मिलता है, 4.6 रेटिंग के साथ प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिलेगा, डाउनलोड की बात करें तो 5 मिलियन है। अब इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए कुछ डिटेल्स आपको जानना जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, और ये कंपनी RBI से लाइसेंस प्राप्त कंपनी है या नहीं है, और इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंपनी के अबाउट सेक्शन पे हम आ चुके हैं, और कंपनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेड फिना प्रोवाइड इंस्टेंट क्रेडिट लाइन एंड बिजनेस लोन, ठीक है, यानी कि यह जो है क्रेडिट लाइन भी प्रोवाइड करवाता है, और छोटा मोटा अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये लोन प्रोवाइड करवाता है। लोन का जो रेंज होता है, ठीक है, मिनिमम यहाँ पर 5,000 और मैक्सिमम 60,000 तक का पर्सनल लोन ये कंपनी देता है। इंटरेस्ट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 14% लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 28% का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर अप्लाई हो सकता है। 3 महीना से लेके 24 महीने के बीच में आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस लोन को कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका एज लिमिट 21 साल प्लस है तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, बस आपका मिनिमम जो सैलरी है वो 12,000 से 15,000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम प्रूफ वगैरह तो नहीं लगता है, लेकिन ये आपको यहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ और दूसरा कौन सा एप्लीकेशन है जिससे कि आपको पर्सनल लोन मिल जाता है बिना इनकम प्रूफ का। ये पहला एप्लीकेशन है, और दूसरा अगर एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरा एप्लीकेशन का नाम हो जाता है किस्त, ठीक है। बहुत सारे लोग किस्त एप्लीकेशन को जानते होंगे और बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको लोन अप्लाई करने से पहले आपका एलिजिबिलिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और ये जो कंपनी है ये भी RBI से लाइसेंस प्राप्त कंपनी। यहाँ पे देखिए बताया गया कि RBI रजिस्टर NBFC लोन ऐप इन इंडिया EMI शॉपिंग एंड इंस्टेंट पर्सनल लोन। और इस कंपनी में लोन लेने के लिए सिंपल सा मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो एलिजिबिलिटी के बारे में जो कंपनी ने बताया उसका एलिजिबिलिटी है वही 21 साल, और आपके पास वैलिड पैन और आधार कार्ड होना चाहिए, और आप एक इंडियन होना चाहिए, तो आप इस कंपनी में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी बात करते हैं
एंट्रेंस वगैरह कितना लगता है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे एग्जांपल में बता देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि आप इस कंपनी से 1 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है। अब हो सकता है इसको समझिएगा तो प्रयास आपको अच्छा लगेगा कि 1 लाख का आपने लोन लिया, 12 महीना का टाइम मिला, 30% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अप्लाई हुआ तो 3% आपका प्रोसेसिंग कटेगा, जिसमें से टोटल यहाँ पर 97,000 जो पैसा है वो आपको सीधे बैंक अकाउंट के अंदर मिलेगा। जब आप रिपेमेंट करेंगे तो 1,16,985 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। टाइम की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर टाइम आपको 2 महीना और मैक्सिमम यहाँ पर 24 महीना का टाइम कंपनी क्लेम करता है कि मिलता है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 18% होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 36% तक यहाँ पर जा सकता है। तो 2 एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बता दिए जिससे कि बिना इनकम प्रूफ का आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, और ये दोनों कंपनी RBI से लाइसेंस प्राप्त कंपनी है, तो बेझिझक होकर आप इस कंपनी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो एक एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको ज़्यादा बड़ा लोन की दरकार है, आप एक हायर लोन लेना चाहते हो, तो फिर कौन सा कंपनी से अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी मैं एक एप्लीकेशन बता देता हूँ जिसमें कि आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। लेकिन इस एप्लीकेशन में क्या है कि आपको इनकम प्रूफ लग सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन मैं यहाँ पे अभी निकाल लेता हूँ, एक मिनट। और एक क्लियर बात बता देता हूँ कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की नीड है, ज़रूरत है, तभी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो जो है कभी भी बिना काम के लिए लोन नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो तीसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है फिनाइबल पर्सनल लोन ऐप, जो आपको 4.2 रेटिंग के साथ प्ले स्टोर पर मिलता है। डाउनलोड की बात करें तो 1 मिलियन। और इस कंपनी में लोन लेने के लिए महज आपको कुछ स्टेप को कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा और आगे का यहाँ पर इस प्रकार का जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रोसेस को कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इस लोन को लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ क्राइटेरिया है, वो भी मैं बता देता हूँ। मिनिमम इस कंपनी में लोन आपको 25,000 लेना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो वो आप पर डिपेंड है। कंपनी यहाँ पर 5 से 10 लाख तक का भी लोन देता है। इंटरेस्ट की बात करें तो 16% से लेकर 35% तक पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और मिनिमम टाइम ये कंपनी 6 महीना देता है, और मैक्सिमम टाइम की बात करें तो 5 साल का भी टाइम देखने को मिलता है। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का डिमांड नहीं किया जाता है, पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन यहाँ होता है। और इस कंपनी में एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपका जो इनकम है वो 15,000 प्रत्येक महीना का होना चाहिए, वो भी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से कहें तो यहाँ पे इनकम प्रूफ का आपको जरूरत पड़ेगा, तब जाके ये कंपनी हायर लोन आपको ऑफर करेगा। बाकी एग्जांपल में कंपनी ने बता दिया कि मान लेते हैं कि आप 1 लाख का लोन लेते हैं और 16% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है। 12 महीना का अगर आपको टाइम मिलता है तो इसमें 3% प्रोसेसिंग कटेगा, जो कि 3,000 होगा, प्लस 540 रुपया जो यहाँ पे फाइनली फ़ी है वो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का GST यहाँ पर आपको लगेगा, जो कि पूरा जो लोन अमाउंट होगा वो 1,03,000 हो जाएगा, और आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख जो लोन आपने अप्लाई किया वो मिलेगा, बाकी का पैसा कट जाएगा। जब आप रिपेमेंट करेंगे तो 1,12,733 रुपया यहाँ पर देना होगा, और ये काफ़ी कंपनियों के साथ यहाँ पर टाइप कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे देखिए, फिनाइबल पार्टनर विथ लैंडिंग RBI रेगुलेटर, दूसरा है DMI फाइनेंस, नॉर्थ फाइनेंस, उस्कर्त स्मॉल बैंक, TVS क्रेडिट एंड परमिला कैपिटल, 5 कंपनियों के साथ यहाँ पर टाइप करके इस कंपनी में जो है लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। बाकी इस एप्लीकेशन का नाम वगैरह तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये तीनों एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, RBI से लाइसेंस प्राप्त कंपनी है। तो 2 एप्लीकेशन ऐसे बताए जिसमें इनकम प्रूफ नहीं लगता है, और 1 एप्लीकेशन ऐसा बताया जिसमें इनकम प्रूफ आपको लगेगा। बाकी अगर इन तीनों एप्लीकेशन पर आपने ट्राई किया और किसी कारणवश से आपको लोन नहीं मिला, तो सिंपल सा और एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना बेस्ट जो एप्लीकेशन पे मैं लगातार लोन के लिए अप्लाई करते रहता हूँ, उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने दिया है, तो उस एप्लीकेशन से भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको इन तीनों एप्लीकेशन से लोन ना मिलता हो तो। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।